बस ये समझ लो कि दिल्ली का चांदनी चौक जो है उसके साथ साथ दिल्ली का सरोजनी भी है। खैर चिकन शोरूम में फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं कैसा है। मतलब मंदिर और मस्जिद दोनों एक ही इमेज के अंदर आपको मिल सकते हैं यहाँ पे। सो गाइस अपनी साउथ इंडिया की जर्नी में फिलहाल मैं आ चुका हूँ अपने स्टेट नंबर 26 जो कि है तेलंगाना। फिलहाल मैं हूँ हैदराबाद में। यहाँ आने के लिए मैंने लिया एक ओवरनाइट ट्रेन, करीबन 12 घंटे मैंने ट्रेन में बिताया जो मैंने ली थी तिरुपति से। सामने से आपको आवाज़ें आ रही होंगी मेन रोड की, यहाँ बगल में ही चार मीनार है। और फिलहाल मैं उस होटल के अंदर इसका रूम दिखाता हूँ मैं आपको। सो ये है बालकनी, ये है वॉशरूम और ये है आपका बेड, कुछ पेंटिंग्स, एक टेलीविजन। सो नॉर्मल सा ही रूम है, इतना ज़्यादा मैंने पे भी नहीं किया है, इससे 1200 पे करे हैं और इतना अच्छा भी नहीं कि मैं आपको रेकमेंड करूँ। लेकिन अच्छी बात इस होटल की सिर्फ यही है, इस रूम की यही है कि यहाँ से चार मीनार का व्यू दिखता है, आधा ही दिखता है लेकिन दिखता है। फिलहाल मेरे पास 12 घंटे से भी कम है हैदराबाद एक्सप्लोर करने के लिए। सो मैंने इस्तेमाल किया सबसे बेस्ट तरीका, सबसे बेस्ट किसी सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए ये है कि वहाँ की बस में ट्रेवल करो। मैंने भी यहाँ की बस में ट्रेवल किया, क्या ही एक्सपीरियंस था। मतलब बस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, बस से खूबसूरत सा लेक दिख रहा है, लेक जो कि हैदराबाद के अंदर ही है। गाइस पहुंच चुका हूं मैं चार मीनार। यहाँ लेफ्ट राइट आगे पीछे हर जगह से भीड़ ही भीड़ है और कुछ ज़्यादा यहाँ मार्केट लगी हुई है। मतलब हर चीज़ बिक रहा है, ऑर्नामेंट से लेके फूड आइटम। सो गाइस दिस इज द क्लोजेस्ट यू कैन गेट बिना वहाँ से एंट्री करे। इसके आगे तो लोग बैठे हुए और यहाँ जगह नहीं जाने की, बैरिकेडिंग है। सो गाइज यही था चार मीनार। फिलहाल काफ़ी भीड़ लगी यहाँ पे आसपास, और जो भीड़ लगी है ये मीनार को देखने के लिए शायद लगी है, पर उसके साथ ही इसके आसपास काफ़ी ही बड़ी मार्केट है। मतलब आप जो मांगो आपको वो मिलेगा। बस ये समझ लो कि दिल्ली का चांदनी चौक जो है उसके साथ साथ दिल्ली का सरोजनी भी है। सो सरोजनी और चांदनी चौक को आपस में कंबाइन कर दो, कुछ ये देखने को मिलेगा। और साथ ही में बीच में चार मीनार है, एक अट्रैक्शन पॉइंट भी है। एक बहुत अमेजिंग बात जो मैंने यहाँ पे नोटिस करी, यहाँ पे चार मीनार के जस्ट बाहर एक छोटा सा मंदिर है एंड इसके बीचों बीच एक मस्जिद टाइप का है। मतलब मंदिर और मस्जिद दोनों एक ही इमेज के अंदर आपको मिल सकते हैं यहाँ पे।
फिलहाल मैं जा रहा हूँ सामने की तरफ, क्योंकि सामने एक मार्केट है जहाँ मुझे लगता है कि नॉन वेज आइटम मिल सकते हैं, चिकन बिरयानी मिल सकती है हमें, वहाँ चलते हैं। क्या भैया ये एक बना दो, सो गाइस ये है हमारा चिकन शोरमा। खैर चिकन शोरमा मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं कैसा है। बहुत स्पाइसी है, मिर्च ज़्यादा इसके अंदर। अच्छा बहुत स्पाइसी मिल रही है। रिकमेंडेड ज़रूर है, थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी है, सो अगर आप कम स्पाइसी खाते हो मेक श्योर आप स्पाइस कम डलवाओ। तो फिलहाल शॉप नंबर टू, आइटम नंबर टू, चिकन लिवर एंड रोटी, ये चपाती एंड दिस इज चिकन लिवर। टेस्ट इज गुड बट बहुत ज़्यादा चबाना पड़ रहा है इसको, आई डोंट नो कच्चा है क्या है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है कंज्यूम करने के लिए। सो गाइस मात्र 70 रुपये खर्च करे हो पूरा पेट अच्छे से भर गया है। दिल्ली के अंदर 200 रुपये खर्च करने के बाद ही पेट नहीं भरता। ऐसे एक और बात, अगर आप दीवाने हो जाम के तो आप जाओ गोवा, क्योंकि वहाँ मिलती है बहुत ही सस्ती अल्कोहल, और अगर आप दीवाने हो नॉन वेज के स्पेशली चिकन कम टू हैदराबाद। इधर कितने मात्र 10 रुपये के अंदर गन्ने का जूस, सिर्फ 10 रुपये, दो गिलास कितने, स्वाद भी अच्छा है। ये है चिकन सीख, ये ट्राई करते हैं। मसाला काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी छींक आ रही थी मुझे जब वो डाल रहे थे। फ्रेश लग रहा है, दैट्स बेस्ट थिंग, बहुत पुराना नहीं लग रहा, फ्रेश लग रहा है और स्वाद भी काफ़ी ठीक है। Thank you.